सो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू नी वीडियो। फाइनली रियलमी की ओर से आज के डेट में रियलमी वाई 4.0 और एंड्रॉइड 13 का मई मंथ में जितना भी अपडेट रोल आउट होना था स्टेबल वर्जन का रियलमी की ओर से आज के डेट में पब्लिकली अपडेट रोल आउट कर दिया गया है। और इस अपडेट के बाद आपके डिवाइस में बहुत सारे प्रॉब्लम इशू को भी फिक्स किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से इशू को फिक्स किया गया है और इस अपडेट में आपको क्या क्या न्यू फीचर देखने को मिलता है और इस अपडेट को करना क्यों ज़रूरी है। मैं इस वीडियो में आपको फुल डिटेल द्वारा डिवाइस लिस्ट के साथ इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। ऐसे ही अपडेट से रिलेटेड वीडियो आप चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। सबसे पहले बात कीजिए आज के डेट में जो अपडेट रोल आउट हुआ है, बहुत यूजर को अपडेट देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहला जो अपडेट मिल रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यदि आपके पास रियलमी 9i 5G की डिवाइस है तो इस डिवाइस में रियलमी की ओर से C.08 का रियलमी वाई 4.0 का स्टेबल वर्जन का OTA अपडेट इस मंथ का रोल आउट कर दिया गया है रियलमी की ओर से। इस डिवाइस में आपको जो भी प्रॉब्लम इशू देखने को मिल रहा था सिस्टम से रिलेटेड उसको 100% इसमें फिक्स किया गया है। इसके बाद इसमें आपको अप्रैल एंड मई मंथ का 2023 का एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच भी लेटेस्ट वर्जन का देखने को मिल जा रहा है। इसके बाद सिस्टम में आपको परफॉर्मेंस और इम्प्रूवमेंट और स्टेबिलिटी देखने को मिल जा रहा है। तो ये अपडेट आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है यदि आपके पास रियलमी 9i 5G की डिवाइस है तो। इसके बाद बात की जाए अपडेट के बारे में, यदि आपके पास रियलमी नार्जो 35G की डिवाइस है तो इस डिवाइस में भी रियलमी की ओर से इस मंथ का बहुत ही अच्छा अपडेट रोल आउट कर दिया गया है जो कि यह 0.06 का न्यू वर्जन देखने को मिल रहा है। और इसमें आपके डिवाइस में सबसे बड़ा इशू देखने को मिल रहा था नेटवर्क प्रॉब्लम का, यानी आपके डिवाइस में 5G नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था उसको 100% यहाँ पे देख रहे होंगे इम्प्रूव कर दिया गया है और नेटवर्क के परफॉर्मेंस को भी स्टेबल कर दिया गया है। यानी इस अपडेट के बाद आपके डिवाइस में जो रियलमी वाई 4.0 के बाद 5G नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था 100% सॉल्व देखने को मिल जाएगा। इसके बाद बात की जाए अपडेट के बारे में, यदि आपके पास रियलमी 8 5G की डिवाइस है तो इस डिवाइस के अंदर रियलमी की ओर से सेम अपडेट रोल आउट किया गया है यह 0.06 का। और इस डिवाइस में भी आपको रियलमी वाई 4.0 और एंड्रॉइड 13 के बाद जो रियलमी का ट्रायल वर्जन का अपडेट आया था और बीटा वर्जन का स्टेबल अपडेट भी आया था उसमें भी आपको सबसे पहला प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था वो नेटवर्क प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था तो उसको भी इसमें ऑप्टिमाइज कर दिया गया है। और सिस्टम के अंदर जो भी आपको बग इशू देखने को मिल रहे थे उसको 100% इम्प्रूव किया गया, स्टेबल किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद बात की जाए अगली डिवाइस के अपडेट के बारे में, यदि आपके पास रियलमी की न्यू डिवाइस है, यहाँ पे देख रहे होंगे रियलमी नार्जो 50 प्रो 5G की, तो इस डिवाइस के अंदर भी इस मंथ का अपडेट रोल आउट कर दिया गया है जो कि आपको C.12 का देखने को अपडेट मिलता है। और ये पब्लिकली अपडेट आज के डेट में रोल आउट किया गया है और ये सभी यूजर को देखने को मिल रहा है। तो आपके डिवाइस में भी यदि ये अपडेट करना चाहते हैं तो आप जाकर अपने सॉफ्टवेयर अपडेट में चेकआउट जरूर कीजिएगा क्योंकि इस अपडेट में आपके डिवाइस के अंदर बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देखने को मिल जाता है। तो आज की डेट में रियलमी की ओर से इन डिवाइसों को अपडेट अभी तक देखने को मिला है। और बात की जाए अदर डिवाइसों के बारे में तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। अदर डिवाइसों के बारे में बात की जाए तो जो अपडेट आज के डेट में देखने को मिल रहा है अदर डिवाइस को वो है रियलमी 9 Pro Plus 5G। यदि आपके पास रियलमी 9 Pro Plus 5G की डिवाइस है तो इस मंथ का अपडेट इसमें पब्लिकली रोल आउट कर दिया गया, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो यानी आज के डेट में इतने डिवाइसों को ही अपडेट देखने को मिला है, इनमें से आपके पास कौन सी डिवाइस है और अपडेट मिला या नहीं मिला आप कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा।